अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं फातिमा। आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। फिलहाल मंडे हस्बैंड की छुट्टी है फ्रेंड, तो नाश्ते में बना रही हूँ मलाई प्याज की सब्जी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है शॉर्ट्स पर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए पीछे चाय बन रही है और साथ में पराठे फ्रेंड। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड, देखिए हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए आप देख सकते बिस्मिल्लाह करो, वो टेस्टी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना। थैंक यू मैम। ये देखिए हमने बोला हस्बैंड से टेस्ट करके, उस टाइम हमने बनाई थी ना तो हमने ट्राई करी थी कि कैसी बनती है, अगर अच्छी बनेगी तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो हमने हस्बैंड को नहीं चखाई थी। तो आज हम इनका रिव्यू लेते हैं कि आप फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, आप बताइए कैसी बनी है। अच्छी बनी है, अच्छी है ना, सिंपल है फ्रेंड। कोई बेसिक मसाले, सिर्फ नमक, हल्दी, नमक, मिर्ची और मलाई आपके पास में है तो बस, और कुछ भी आपको उसके अंदर ऐड नहीं करना है। आप जरूर इसे एक बार बनाइएगा। हम लोग थोड़ा इनका स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है बच्चों का, तो उसके लिए हम कुछ क्ले कुछ सामान कर रहे हैं, पेंसिल लेने के लिए जा रहे हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। देखिए फिर हमारी एनिवर्सरी शॉपिंग हो चुकी थी, इंशाल्लाह जो भी मैंने लिया मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। हम लोग घर जा ही रहे थे कि जिनसे हमने गाड़ी ली ना, हस्बैंड के फ्रेंड है, हम हर मंडे मंडे उनकी गाड़ी लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास अभी गाड़ी नहीं है। प्लीज़ आप दुआ करें जल्दी से हमें भी कोई गाड़ी ऐसी मिल जाए, तो इंशाल्लाह वो जल्दी जल्दी मैं नए नए ब्लॉग आपके लिए लेके आया करूँगी। तो उनका कॉल आया था, उन्हें कुछ काम था सुल्तान सेंटर साइड में, हमने सोचा चलो हम लोग भारत हम ही आपका काम कर देंगे, तो हम लोग उनका काम करने के लिए सुल्तान सेंटर के पास जा रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ। देखिए जो उनका काम था हस्बैंड के फ्रेंड का, वो काम हो गया है उसका। हम लोग सुल्तान सेंटर में आए थे तो उनका कॉल आया था 2 बजे से पहले, उन्हें गाड़ी चाहिए थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी फिर यहाँ पर हम लोग सुल्तान सेंटर के अंदर आए और हमें जो शॉपिंग करनी थी हमने जल्दी जल्दी वो शॉपिंग करी है। और देखिए आप देख सकते हैं जो भी हम शॉपिंग करी, इंशाल्लाह मैं आपको घर जाके बताऊँगी। शॉपिंग फिनिश होने के बाद में नशरा ने हमें बोला कि मम्मी देखिए अलबेग में आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, इनकी फ्रेंड ये लोग गए थे, इन लोगों ने खाई थी तो उन्होंने हमें बताया, चलो ठीक है हम लोग भी टेस्ट करते हैं। तो ये 100 फिल्स की एक आइसक्रीम है, यानी 20 रुपीज़, अगर इंडियन में देखो तो 20 रुपीज़ की पर पीस की एक केक, सॉरी एक गिलास है। तो सोचा हम लोगों ने ट्राई कर, हम लोगों ने वहाँ पर आइसक्रीम इन्जॉय करी। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, ज़्यादा सब शॉपिंग नहीं करी, सब्जी भाजी जो लगी थी हमने वही ली। उसके बाद हम लोग फिर घर की तरफ निकल गए थे क्योंकि हमें लंच भी बनाना था और लेट बहुत हो रहा था, 2 बज गया था, हम लोग यहीं पे लेट हो गए थे, उन्हें 2 बजे हमें गाड़ी देनी थी, हम लोग लेट हो गए थे यहीं पे, तो हमने जल्दी जल्दी गए फिर हमने घर जाके लंच बनाया। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम लोग घर आ गए, आते थे हमें 2:30 बज गया था, 2:30 हो गया था। हम जल्दी से आते हैं, हमने लंच बनाया। लंच में हमने आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल बनाया जल्दी से फटाफट। तो आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड, मैंने यहाँ पर तेल गरम करा, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, उसमें मैंने प्याज करा, प्याज डालने वाला, प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट करा, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करा। फिर उसमें अदरक लहसुन ऐड किया, फिर उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, जो भी बेसिक मसाले वो ऐड किए, आलू ऐड किया, 2 ग्रीन चिली ऐड की, उसको अच्छा से 2 से 3 मिनट भुना। फिर मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर दही ऐड किया, टमाटर ऐड नहीं किया, फिर दही ऐड किया मैंने। फिर दही को भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको भुना कि थोड़ा इसका तेल सेपरेट हो गया। फिर मैंने इसके अंदर बैंगन ऐड किए, बैंगन को भी मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छा भुना। उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद में जब एक बॉयल आ गया तो फिर मैंने उसका गैस स्लो करके 5 से 7 मिनट मैंने उसे पकाया अच्छी तरह। जब आलू गल गया, बैंगन भी गल गया, तो फिर मैंने फ्रेंड उसका गैस बंद कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखिए सिंपल सी हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड देखिए हमारा लंच रेडी हो गया, आलू बैंगन की सब्ज़ी, साथ में चावल बनाए थे और कुकुम्बर काटा था मैंने। और जो हमारी उड़ीसा की जो फैमिली ना वो वेकेशन गई थी, तभी वेकेशन से आगे उनके बच्चे नीचे माँ के साथ खेलने के लिए आए थे, तो सोचा चलो पापड़ तल दो, बच्चे आए तो वो खा ले, वो शौक से खाती भी, तो पापड़ तले मैंने। हमारा खाना रेडी हो गया था, हस्बैंड थोड़ा बाहर गए थे 5-7 मिनट के, जो जब तक वो आएंगे तो मैं आपको सामान दिखा दूँ कि हमने एनिवर्सरी का शॉपिंग करी है। तो अब अभी ये बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले 2 सितंबर से, तो इनका असाइनमेंट बनाना था लेकिन हमने पेंडिंग में रखा था, जब जाओगे ना उस टाइम बनाना, उसके लिए क्ले चाहिए था, बच्चे बना के रख देंगे तो सब खराब हो जाएगा, तो हमने उसको पेंडिंग में रखा था। अब स्कूल खुलने वाले थे, फिर हम लोग जाके जो इसके सामान लेने के लिए गए थे, तो ये मोल्डिंग क्ले लेके आए, कुछ इनको प्रोजेक्ट बनाना, इंशाल्लाह जब बन जाएगा ना तो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए मोल्डिंग क्ले, उसे पेंट करने के लिए पतले ब्रश चाहिए थे, ब्रश लेके आए, ये वाटर कलर चाहिए थे, वाटर कलर लेके आए, क्योंकि आर्ट करते करते हमारे सब खत्म हो गए। और ये नशा एक रहा है, इसको हाईलाइटर लेके आई, ये दो इनको हाईलाइटर चाहिए थे तो वो लेके आए, और ये रब ईमान इरेजर लेके आई, बस यही फ्रेंड हमने अंदर से बस इतनी जो ज़रूरत की चीज़ थी वही शॉपिंग करी, ज़्यादा कुछ नहीं करा हमने। उसके बाद फिर हम सुल्तान सेंटर गए थे, सुल्तान सेंटर से हमने क्या खरीदा वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए फिर हमने सुल्तान सेंटर से हमने ओनियन ऑफ़र में थे, तो हमने वहाँ से प्याज लिए, वहाँ सब्जी भाजी का बहुत अच्छा ऑफ़र रहता है, तो हमने वहाँ से ये ओनियन लिए, क्रेप्स लिए, फिर हमने बनाना लिया, मैंगो लिए और कुकुम्बर लिए, और ये इकरा ने पता नहीं ये क्या लिया पता नहीं, और ये ब्राउनीज ऑफ़र में थी, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ले लो, इकरा का बर्थडे आ रहा है 15 अगस्त को, तो बोले घर में केक बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि ये कैसा बनाए। हमारी फ्रेंड ऊपर नेबर उड़ीसा के उषरा भाभी, वो भी वेकेशन गई थी उड़ीसा, तो वहाँ रात को आई, तो ये बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आए थे, मैं सोचा वो भी हम आपको दिखा दे। देखिए ये उनके बेटा, एक बेटा है और एक बेटी है, ये दोनों माशाल्लाह देखो उनके 2 बच्चे हैं। ये उड़ीसा की कोई फेमस डिश है, वो छेना पोड़ा कुछ नाम बता रही थी, तो ये वो छेना पोड़ा रेसिपी लेके वो स्वीट्स लेके आई है वहाँ से। ये हमें ही पता कौन सी स्वीट है, तो उन्होंने एक स्वीट ये भी दिया है। देखिए फिर उसमें भी सब डिफरेंट डिफरेंट तरह की सारी तरह की मिठाई है, देखिए आप देख सकते हैं। ये हमारा एयरटेल का रिमोट टूट गया था, तो फिर हमने उनसे बोला था, देखिए वो लेके आई हमारे लिए एक रिमोट, हमने उनसे मंगाया था, एक रिमोट मंगाया था हमने उनसे, वो लेके आई है क्या ये। और नशा ने कुछ कलर मंगाए थे उनसे, तो देखिए वो कलर भी लेके आई। कौन सा कलर है ये भी, हम लोग क्राफ्ट करते ना फ्रेंड, तो क्राफ्ट की उसने ये एक्रिलिक कलर्स, देखिए फ्रेंड ये 10 कलर है, तो उसने नशा ने मंगाया, तो नशा के लिए कलर भी लेके आई है। ये शायद केक है फ्रेंड, देखिए माशाल्लाह की केक है, ये एक और कुछ स्वीट्स है फ्रेंड, शायद ये उड़ीसा के हैं, सॉरी ये शायद ये बालूशाही टाइप कुछ हमें दिख रहा है, हम लोग बालूशाही बनाते ना उस टाइप से शायद ये दिख रहा है फ्रेंड। ये हम जो फ्रेंड ये बालूशाही खाते हैं ना फ्रेंड, वो गोल रहती है सेम, ये से चौकुट टाइप में, लेकिन माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, सेम ये बालूशाही का ही टेस्ट दे रही है। देखिए फिर माशाल्लाह उन्होंने कितनी सारा सामान दिया, अभी शायद बाद में उनके पास और सामान है, तो थैंक यू सो मच बुशरा भी, आपने इतना सारा सामान दिया है आज की। देखिए फिर माशाल्लाह कितना सारा सामान दिया उन्होंने, हमने कुछ मेडिसिन भी मंगाई थी, हमें अस्थमा का प्रॉब्लम है तो हमने अस्थमा का पम्प भी मंगाया था, लेकिन हमने वो शो नहीं किया, और इकरा की कुछ मेडिसिन मंगाई थी वो भी हमने शो नहीं किए। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कि जल्दी से एक नए ब्लॉग में ज़रूर मिलूंगी। आगे आप देखिए ईमान ने घर में आइसक्रीम शॉप बनाया था, तो बच्चे कैसे इन्जॉय कर रहे थे, आप देखेंगे आगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और हमारे तीनों देखिए बैठ के माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं, ईमान ने कुछ आइसक्रीम शॉप घर में ही बनाए, थोड़ा दिखाओ, उसने सब घर में ही बनाया है, तो ये लोग खेल रहे हैं उससे माशाल्लाह, देखिए कितनी आइसक्रीम खा रही हो।